नमस्कार साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ पंजाब नेशनल बैंक की ऐसी पांच सर्विसेज जिनके लिए या तो आप बैंक की लंबी लाइन में लगे होंगे, या आपने कुछ अदर्स ऐप यूज किए होंगे, या फिर आपको पता ही नहीं होगा कि आप घर बैठे बैठे भी इन सर्विसेज का यूज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। सारी फैसिलिटीज की जानकारी लेने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले हम गूगल पर जाकर पंजाब नेशनल बैंक सर्च करेंगे। यहां आपको पहला लिंक दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और पंजाब नेशनल बैंक की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे। यहां आपको ये टैब्स दिखाई दे रहे हैं, अबाउट अस, प्रोडक्ट्स, ई सर्विसेज। अगर हमें किसी बैंक के प्रोडक्ट्स या बैंक में जाने से बचना है तो हमें एक बार उसकी साइट जो ऑनलाइन उन्होंने प्रोवाइड करा रखी है वो जरूर हमें देखनी चाहिए और उसमें सर्च करना चाहिए कि क्या क्या फैसिलिटीज हैं जो हम घर बैठे बैठे यूज कर सकते हैं, जिसके लिए हमें बैंक जाने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं पहली सर्विस की बात करता हूँ। हम यहाँ टैब्स में आएंगे और ई सर्विसेज में जब हम आएंगे, ई सर्विसेज पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग। अगर आप अपना आधार कार्ड अपने खाते से लिंक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करके अपना आधार कार्ड अपने अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हैं। देखिए ये इस पेज पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, क्लिक हियर फॉर ओटीपी बेस्ड आधार सीडिंग। आप यहां पर क्लिक करें। यहां आपको आपका अकाउंट नंबर फीड करना है जिसमें आप आधार कार्ड लिंक करवाना चाहते हैं। अकाउंट नंबर फिल करने के बाद आप यहां कंटिन्यू पर क्लिक करिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, एंटर ओटीपी, एंटर कैप्चा। ओटीपी जो आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड नंबर है उस पर आएगा ये वाला ओटीपी। आप उस ओटीपी को यहां पर फिल कर लेंगे। ये जो आपको कैप्चा यहाँ पर शो हो रहा है इसे यहाँ फिल कर लेंगे और यहाँ से वैलिडेट पर क्लिक कर नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ आपको वो दिखाएगा आपकी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपका अकाउंट की ये डिटेल है, आपको इसी अकाउंट में अपना आधार वेरिफिकेशन करना है। तो आप प्रोसीड फॉर आधार वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ आपसे वो आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा और आपसे कंसेंट मांगेगा कि आप सहमत हैं आधार कार्ड यूज करने के लिए फॉर वैलिडेशन। तो यहाँ आप अपना आधार कार्ड नंबर फिल कर दीजिए और यहाँ पर यस करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। चलिए मैं आधार कार्ड नंबर अपना फिल कर देता हूँ। आधार कार्ड नंबर फिल करने के बाद मैं यहाँ इसे कंटिन्यू क्लिक करूंगा। इस बार जो ओटीपी आएगा वो आपके उस मोबाइल नंबर पर आएगा जो आधार कार्ड के साथ लिंक्ड है। आप वो ओटीपी यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ आप ओटीपी एंटर करने के बाद इसे वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के बाद वो आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा जिसको आप ओके करेंगे और आगे बढ़ेंगे। जब आप आगे आएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपको दिखा रहा है आधार डिटेल्स कैप्चर सक्सेसफुली। यहाँ सारी आधार की डिटेल्स थी वो यहाँ पर कैप्चर सक्सेसफुली हो गई और मेरा आधार कार्ड यहाँ इस अकाउंट के साथ लिंक हो गया है। दूसरी सर्विस की बात करें तो वो है पीएनबी भारत बिल पे, जिसका यूज करके आप कोई भी बिल आसानी से पे कर सकते हैं। और इसके लिए आपकी इंटरनेट बैंकिंग सर्विस एक्टिवेट होनी चाहिए। इंटरनेट बैंकिंग को कैसे एक्टिवेट करना है या उसका पासवर्ड कैसे रिसेट करना है उसकी वीडियो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो यहाँ आप बिल पे करने के लिए क्लिक हियर फॉर बिल पे पर क्लिक करेंगे, जो आपको भारत बिल पे के इस ऑफिशियल पेज पर लेकर आएगा जो पीएनबी से स्पॉन्सर्ड है। आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी में आपको बिल पे करना है। मान लीजिए मुझे मेरे मोबाइल का पोस्टपेड का बिल पे करना है तो मैं यहाँ पर ये सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद मुझे बिलर, यानी कि मेरे को अपनी मुझे अपना नेटवर्क या जो भी कंपनी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो सेलेक्ट करनी होगी। इसके बाद मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ अपना ईमेल आईडी या फिर से मोबाइल नंबर, यहाँ सेलेक्ट करूँगा पेमेंट मेथड इंटरनेट बैंकिंग, यहाँ क्विक पे अमाउंट, मैं अपनी अमाउंट जो भी मैं यहाँ बिल पे करना चाहता हूँ वो फिल कर दूंगा और उसके बाद यहाँ एक बार स्क्रीन पर क्लिक करके देखूंगा। देखिए जीरो टैक्सेस एंड नेट पेबल अमाउंट यहाँ पर मेरी लिखकर आ गई। इसको मैं क्विक पे पर क्लिक करके पे करने के लिए नेक्स्ट स्टेप सेलेक्ट करूंगा। अगर आप रिटेल यूजर हैं तो आप रिटेल यूजर पर क्लिक करेंगे, अगर आप कॉर्पोरेट यूजर हैं तो आप कॉर्पोरेट यूजर पर क्लिक करेंगे। मैं रिटेल यूजर हूं तो मैं यहां कंफर्म करूंगा और पेमेंट करने के लिए अपनी इंटरनेट बैंकिंग की साइट पर इस क्लिक के साथ पहुंच जाऊंगा, जहां मैं अपनी नेट बैंकिंग का क्रेडेंशियल्स यूज करूंगा और इसको लॉग इन करने के बाद मैं आसानी से बिल पे कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों एक सर्विस है ग्रीन पिन डेबिट कार्ड। कैसे आप अपना पिन अगर भूल गए हैं या आपको अपना पिन रिसेट करना है तो आप कैसे इसे कर सकते हैं, इस पर मैंने एक अलग वीडियो पहले बना रखा है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। कि कई बार हम अपना बैलेंस जानने के लिए बैंक जाते हैं, बैंक का चक्कर लगाते हैं, या कुछ लोग ऐसे हैं जो नेट बैंकिंग या ऐप्स वगैरह यूज नहीं करते, उन लोगों को जो बैलेंस पता करने में दिक्कत आती है उसका सोल्यूशन के लिए हर बैंक अपने
कुछ टोल फ्री नंबर्स प्रोवाइड कराता है जो या तो कस्टमर्स को पता नहीं होते हैं या उन्हें बताया नहीं जाता है। लेकिन अगर आप चाहें तो आप अपनी फैमिली में अगर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको मिस्ड कॉल सर्विस के द्वारा अगर आप चाहते हैं कि वो अपना बैलेंस जान सकें तो उन्हें आप ये नंबर्स प्रोवाइड करा सकते हैं। पीएनबी की साइट पर वो सारे नंबर मौजूद हैं। यहाँ पर आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि किस नंबर पर कॉल करने से क्या चीज़ आपको मालूम पड़ सकती है। आप ये नंबर अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं या अपने घर में जो बड़े हैं जो लोग नेट एक्सेस नहीं कर सकते उनके के मोबाइल में ऐड कर दें या सेव कर दें। उन्हें जब भी बैलेंस की जानकारी चाहिए होगी वो इन नंबर्स पर मिस कॉल कर सकते हैं और एक SMS के थ्रू अपना बैलेंस पता कर सकते हैं। अगली फैसिलिटी की अगर हम बात करें तो वो है SMS बैंकिंग। यहाँ पर ये ऑप्शन दिया हुआ है SMS बैंकिंग का, आप यहाँ एक क्लिक करिए। इसके बाद आप देखेंगे कि PNB के जो SMS बैंकिंग के फीचर्स हैं आपको मिलेंगे। यहाँ पर एक टोल फ्री नंबर प्रोवाइड कराया है बैंक ने। अगर आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट में रजिस्टर्ड है, जो कि ज़्यादा कस्टमर्स का अकाउंट इस समय मोबाइल से रजिस्टर्ड ही होता है, तो आप कुछ सर्विसेज का फ़ायदा मैसेज करके भी ले सकते हैं। आपको सिर्फ ये नंबर सेव करना है। PNB क्या सर्विस ऑफर कर रहा है उसके लिए अगर आप जानना चाहते हैं तो यहाँ पर PNB PROD लिखकर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही अगर आपको अपना मिनी स्टेटमेंट चाहिए तो आप मिनी MIN STMT स्पेस 16 डिजिट का अकाउंट नंबर लिखकर इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको ऊपर यहाँ पर बताया। इसके अलावा अगर आप साथ ही आप अदर फैसिलिटीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे देखिए कितनी बड़ी फैसिलिटी बैंक ने यहाँ दे रखी है वो हमें पता ही नहीं होती है। अगर आप अपने चेक का स्टेटस जानना चाहते हैं तो आप CHINQ स्पेस देंगे और जो चेक आपने लगाया हुआ है बैंक में उसका नंबर रखेंगे, फिर स्पेस देंगे और 16 डिजिट का अकाउंट नंबर अपना यहाँ पर लिखकर उसी नंबर पर 5607040 पर मैसेज कर देंगे और आपको आपके चेक का स्टेटस भी पता चल जाएगा। अगर आपका चेक आपसे गलती से किसी ने आपकी चेकबुक से काट दिया है या आपको नहीं उसका पेमेंट करवाना है तो आप स्टॉप चेक भी एक मैसेज के थ्रू आप अपना चेक स्टॉप कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको PNB SMS बैंकिंग के माध्यम से मिल जाती हैं। अगर हम बात करें अब कुछ और फैसिलिटीज़ की जो इस साइट पर मौजूद हैं तो उसमें आप जा करके यहाँ ये देख सकते हैं कि आपको अगर इंटरेस्ट रेट जानने हैं डिपॉजिट पर कितने मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट अगर बल्क डिपॉजिट पे जानना है, लोन एंड एडवांसेस में क्या इंटरेस्ट रेट समय चल रहा है, अदर फैसिलिटीज, या इतने सारे फीचर्स हैं। आपको एक बार यहाँ पर जरूर विजिट करना चाहिए अपने बैंक की वेबसाइट पर और ज्यादा से ज्यादा फीचर्स का यूज करना चाहिए जिससे कि आपको कम से कम बैंक में जाना पड़े। आज की इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार।